चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। टू वॉट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स। अच्छा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पीड आरएमएस स्पीड 3 टाइम्स हो जाना और 3 टाइम इंक्रीज होने में फर्क है। आरएमएस स्पीड ठीक है, इंक्रीज हो रही है 3 टाइम्स। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। तो फाइनल स्पीड जो होगी, इनिशियल स्पीड का 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। 3 टाइम्स हो जाना और 3 टाइम्स इंक्रीज होने में डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आरएमएस स्पीड अगर हम वी मानते हैं तो 3 VRMS ये है, करेक्ट है, तो ये 4 VRMS हो जाएगा। ठीक है, फाइनल VRMS, करेक्ट है, फाइनल VRMS 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर VRMS की वैल्यू हम V कंसिडर कर लें तो फाइनल VRMS कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ V। अच्छा, दूसरी चीज, अब टेम्परेचर, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, SI में क्या होगा, केल्विन में। तो अगर टेम्परेचर को मैं बात करूं, ठीक है, टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, SI में 273 से ऐड करेंगे तो ये केल्विन में बदलेगा, तो कितना आएगा, 223 केल्विन। सही है, ठीक है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 KBT होती है एक मॉलिक्यूल की। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो 3/2 KBT के इक्वल होती है। यानी VRMS ये माइनस नहीं है, ये ऊपर VRMS के ऊपर जो है एवरेज के लिए यूज किया है। तो VRMS का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हुआ। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, VRMS इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय VRMS फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल, ये लिखेंगे, टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमको ऐसे लिख दो, वी आर एम एस इनिशियल अपॉन वी आर एम एस फाइनल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल। इसको अभी इधर लिख दे रहे हैं, इस तरफ। ठीक है, सो वी आर एम एस इनिशियल की वैल्यू कितनी थी, वी, ये इनिशियल है, ये वाला, ये इनिशियल है, तो ये वैल्यू यहां रखें। सो वी अपॉन 4V होल स्क्वायर अपॉन टी इनिशियल की वैल्यू कितनी आई है, 223 केल्विन डिवाइडेड बाय टी फाइनल। ये कितना होगा, वी से वी कटा, 1/4, टी फाइनल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/4 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 223 बाय टी फाइनल, करेक्ट है। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इसको और इसको इधर लाऊं तो ये होगा टी फाइनल इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 16 × 223, 16 × 223 कितना होगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, 16 × 223, 223 है ना, ठीक है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3568, 3568 केल्विन में आएगा। अब केल्विन में आएगा तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो एज्यूम करो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, नहीं, स्पेस को इसको हटा दूँ, इधर लिख दूँ, तो टी फाइनल इज इक्वल टू 3568 -273, 273 माइनस कर दें, -273, ठीक है, माइनस कर देते हैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, कितना होगा, 3295 केल्विन, 3295 केल्विन टी फाइनल की वैल्यू, 3295 केल्विन। हाँ,
ये केल्विन नहीं, सॉरी, ये डिग्री सेल्सियस में ना, क्योंकि ये डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया ना हमने, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, हटा दूँ पहले। ये डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।